अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही क्विक और मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। ये पाकिस्तान में और इवन इंडिया में भी घरों में बहुत शौक से पी जाती है और विंटर में तो स्पेशली पी जाती है। तो जनाब जी, आज की रेसिपी है कार्डमम टी की। तो इसके लिए आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। 2 टी बैग्स चाहिए होंगे 2 कप टी के लिए, 2 कार्डमम्स चाहिए होंगे, 2 टीस्पून शुगर चाहिए होगी और एक पैन में 2 कप से थोड़ा सा कम वाटर ले लिया है, जो रिड्यूस होके 1.5 कप हो जाएगा जब हम इसको पहले कार्डमम में पकाएंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए हमने 2 कप से थोड़ा सा कम वाटर लेना है। और ये मिल्क चाहिए होगा हमें ऑलमोस्ट 1/2 कप। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने अपने पैन में वाटर डाल के मीडियम आंच पे रख दिया है, इसको हम बॉयल होने देंगे और इसमें हम 2 कार्डमम्स डाल देते हैं। इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका अच्छे से टेस्ट डेवलप हो जाए। ये हमने अपनी टी को रख दिया है कवर करके। जब अच्छे से ये पक जाएगा, इसमें कार्डमम का टेस्ट डेवलप हो जाएगा, फिर हम इसमें टी बैग्स डालेंगे। पानी उबलना शुरू हो गया है और इलायची भी पक रही है, इसमें अच्छी सी कार्डमम की खुशबू आ रही है, तो इस स्टेज पे हम इसमें टी बैग्स ऐड कर देंगे। अगर आप टी बैग्स ऐड ना करना चाहें तो आप 2 टीस्पून टी यूज़ कर सकते हैं, चाय की पत्ती जो आप नॉर्मल मिलती है घरों में इस्तेमाल करने वाली। ये हमने इसमें 2 टी बैग्स डाल दिए, इसको हम थोड़ी देर के लिए दम करेंगे ताकि इसका कलर निकल आए और टेस्ट निकल जाए अच्छे से। इसको हमने दम पे रख दिया है, एक उबाल आने तक इसको हम दम पे रखेंगे। फिर हम इसमें मिल्क और शुगर ऐड करके बॉयल करेंगे और कप्स में डाल लेंगे। इसको उबाल आ गया है और कलर भी निकल आया है, अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। और इसको कवर करके उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब इसको एक उबाल आ जाए तो फिर हम इसको फेंटेंगे अच्छे से। इसको हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो रहा है। अब मैं इसमें 2 टीस्पून शुगर डाल दूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शुगर डाल सकते हैं। ये चाय उबल रही है, अब इसको ऐसे बीट करते रहें। बीट करना बहुत ज़रूरी है, इसको ढाबा स्टाइल में बनाने के लिए हम इसे जितना ज़्यादा बीट करेंगे उतना ही अच्छा बनेगा इसका टेस्ट। इसको 3 से 4 मिनट तक आप बीट करते रहें। मैं इसमें से टी बैग और कार्डमम निकाल रही हूँ। आप इसको, क्योंकि ये टी बैग्स हैं, मुझे स्ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करके कप्स में डाल लीजिएगा। अब ये रेडी है कप्स में डालने के लिए। ये हम अपनी टी कप में डाल रहे हैं, आप स्ट्रेन करके डाल लीजिएगा। मैंने टी बैग्स यूज़ किए थे, मुझे स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी कार्डमम टी इंजॉय करती हूँ बिस्किट्स के साथ और इमली वाले आलू के कटलेट्स के साथ, जिसकी रेसिपी मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। फिर भी इन कटलेट्स की रेसिपी आप लिंक में देख लीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में जाके, आप वहाँ से लिंक देख लीजिएगा। ये चाय बहुत ही मज़े की है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे इंजॉय करती हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बिल्कुल ढाबों जैसी चाय बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।